इंडिया के एक गांव में खेतों और छोटे छोटे घरों के बीच अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी आंखों में आसमान जैसी विशालता थी और उसके सपने दूर क्षितिज के पार उड़ान भरते थे। वो एक गरीब किसान का बेटा था। उसकी जिंदगी खेतों की धड़कन, बोने और काटने के मौसम से जुड़ी थी। मुश्किलें उसकी जिंदगी का हिस्सा थीं, फिर भी अर्जुन एक अच्छे भविष्य का सपना देखता था। एक ऐसा भविष्य जहां उसके सपने पूरे होंगे। उसका दिन खेतों में काम करते हुए बीतता, उसके छोटे हाथ तपती धूप में उसके पिता की मदद करते। उसका शरीर थका होता, लेकिन उसका दिमाग नए विचारों से भरा रहता, उसका दिल उम्मीद से भरा रहता। उसे पढ़ाई की चाह थी, वो अपने गांव से बाहर की दुनिया देखना चाहता था। उसे यकीन था कि शिक्षा ही उसकी ताकत को बाहर ला सकती है और उसके परिवार की किस्मत बदल सकती है। अर्जुन रात में तारों के नीचे बैठा करता, टिमटिमाते तारे उसके सपनों जैसे लगते। वो खिड़की से दूर शहर की रोशनी देखता और सोचता, कैसा होगा अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज से भरी जिंदगी। जो भी किताब मिलती वो पढ़ता, उसकी नॉलेज की प्यास कभी नहीं बुझती। वो जानता था कि गरीबी से बचने का एक ही रास्ता है, शिक्षा। अर्जुन का सपना सिर्फ अपने लिए नहीं था, ये उसके परिवार के लिए था, उसके माता पिता के लिए था, जिन्होंने उसके लिए सब कुछ कुर्बान किया था। वो उनका बोझ कम करना चाहता था, उन्हें आराम और इज्जत की जिंदगी देना चाहता था। वो ऐसा भविष्य चाहता था जहां उन्हें अगले खाने की या कर्ज की चिंता ना हो। वो अपने माता पिता की कुर्बानी को सफल बनाना चाहता था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन और उसके परिवार पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा जब उसके पिताजी बीमार पड़ गए। जो किसान कभी मजबूत और ताकतवर था, अब बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़ा था। दवाइयों का खर्चा बढ़ता गया और उनकी पहले से ही कमजोर आर्थिक स्थिति पर और बोझ पड़ गया। जिम्मेदारी का भार अर्जुन के छोटे कंधों पर आ गया। उसे अपनी पढ़ाई के साथ साथ खेत का काम भी करना पड़ा। दिन लंबे और रातें छोटी होने लगी। वो अक्सर देर रात तक मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में पढ़ता रहता। उसकी हिम्मत अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरने की चाह से बंधी थी। पैसे की तंगी ने परिवार को तोड़ना शुरू कर दिया। उन्हें अपने थोड़े बहुत सामान बेचने पड़े ताकि दवाइयों का खर्चा उठा सके। भूख का डर उनकी मुश्किलों को और बढ़ा रहा था। अर्जुन अपनी माँ के आंसू देखता, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें और उसका दिल दर्द से भर जाता। इतनी मुश्किलों के बावजूद अर्जुन ने हार नहीं मानी। वो जानता था कि हार मान लेना कोई विकल्प नहीं है। उसने अपने सपने को थामे रखा, उसे मुश्किल समय में उम्मीद की किरण बना लिया। उसे अपने माता पिता के प्यार और उनके विश्वास से ताकत मिलती रही। अर्जुन की लगन और मेहनत ने उसके टीचर्स का ध्यान खींचा। उन्होंने उसकी काबिलियत को पहचाना और उसकी मदद की। उन्होंने उसे एक्स्ट्रा ट्यूटरिंग और गाइडेंस दी, उसकी पढ़ाई में मदद की। उन्होंने उसमें एक प्रतिभा सीखने की चाहत देखी जो उसकी मुश्किल परिस्थितियों से भी बड़ी थी। वो रात रात भर पढ़ता, अपनी नींद कुर्बान करके पढ़ाई पूरी करता। वो किताबें पढ़ता, ज्ञान को सोख लेता। उसका दिमाग हमेशा नई जानकारी चाहता था। वो क्लास में सवाल पूछता, डिस्कशंस में हिस्सा लेता। उसकी सीखने की प्यास कभी नहीं बुझती थी। वो पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता था। उसकी अचीवमेंट्स उसके गांव के लिए गर्व का विषय बन गई। वो दूसरे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन बन गया, मेहनत और लगन की ताकत का उदाहरण। उसकी कहानी आग की तरह फैल गई, उन लोगों के दिलों में उम्मीद जगाई जिन्होंने अपने सपने को छोड़ दिया था। वो हौसले का प्रतीक बन गया, गरीबी में डूबे समुदाय के लिए उम्मीद की किरण। अर्जुन की सफलता बिना कुर्बानी के नहीं मिली। उसे बचपन की कई खुशियां छोड़नी पड़ी, वो मस्ती और खेल कूद जो उसके दोस्त करते थे। वो खेत के काम के साथ साथ पढ़ाई भी करता। उसकी लगन अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने की चाहत से बंधी थी। अर्जुन की मेहनत रंग लाई, उसे एक बड़े यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिल गई। ये एक सुनहरा मौका था जो उसके भविष्य को रोशन कर सकता था। ये खबर पूरे गांव में फैल गई, गरीब समुदाय के लिए उम्मीद की किरण लेकर आई। वो उम्मीद का प्रतीक बन गया, शिक्षा की ताकत का उदाहरण। अपना गांव छोड़ना खुशी और गम दोनों लेकर आया। उसे अपनी नई जिंदगी के लिए उत्साह था, लेकिन अपने परिवार को छोड़ने का दुख भी। उसने वादा किया कि वो वापस आएगा और उन्हें गर्व महसूस कराएगा। वो उनके सपनों को अपने साथ ले गया, उनका प्यार उसकी ताकत बना रहा। यूनिवर्सिटी में अर्जुन पढ़ाई में आगे बढ़ता रहा। वो नए सब्जेक्ट सीखता, अपने ज्ञान को बढ़ाता। वो चैलेंजेस का सामना करता, उन्हें सीखने के मौके के रूप में देखता। उसने नए दोस्त बनाए, यादें बनाई जो हमेशा उसके साथ रहेंगी। वो अपनी जड़ें नहीं भूला। उसकी शुरुआत उसे हमेशा उसके मकसद की याद दिलाती रही।
वो हमेशा विनम्र रहा। सफलता का घमंड उसे नहीं हुआ। वो जानता था कि उसकी जर्नी सिर्फ उसकी अपनी नहीं है, बल्कि अपने परिवार और समुदाय को ऊपर उठाने की भी है। वो अपने सपने के लिए प्रतिबद्ध रहा, अपनी शिक्षा का इस्तेमाल सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करता रहा। सेक्शन 5, ब्लॉसमिंग ऑफ सक्सेस। सेक्शन 6, द फ्रूट्स ऑफ लेबर। सेक्शन 7, अ रे ऑफ लाइट फॉर अदर्स। Section 8, the power of perseverance. Section 9, beyond the horizon. Section 10, an unwavering spirit.